आगे जानना चाहोगे कौन कौन लोग मरे उनकी लिस्ट है, उस लिस्ट को पढ़ोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि उसमें कितने लोग ऐसे थे, थानेदार ASI सब वही था, पुलिसिंग का लफड़ा था, उसमें एक खास जाति के लोग थे। अब बीच बीच बाजार में गोली चलाया, माहौल पहले से टेंस था। माने तुम सोच रहे हो कि माने वो सुबह कभी तो आएगी, तो लो ना 47 साल 20 साल खींचो। सो गांधी वॉज अ फ्रॉड. नो आई वुडंट कॉल हिम अ फ्रॉड, बट ही वॉज वॉज समथिंग समथिंग इज नॉट राइट। अ कनिंग मैन. आई डोंट नो वॉट ही वॉज अप टू, क्या वो सोच के, बट आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड विद दिस आइडिया दैट नॉन वायलेंस कैरेक्टर जो है वो मेरे लिए इतना सुप्रीम है कि उसके लिए हम अपने मींस को भी खत्म कर दें, ठीक है, एंड अचीव करने के लिए। और एंड के कलकत्ता भर झाड़ू मार रहे थे उस समय, क्या हो रहा था उस समय, एक थाना जला था, पूरा बंगाल बिछ गया। क्या कर लिया आपने? अभी अभी कोई कह देगा कि उस समय मुस्लिम लीग ने विद्वेष पैदा कर दिया था, माइग्रेशन। अरे सबको पता है कि जिस दिन रिलीजन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बटी, उस दिन भारत का रिलीजियस बंटवारा हो गया था। जब ये चीजें हो गई हैं, तुम रोल अटैक ले आए हो, लाठी चार्ज में एक आदमी मरा है, तो तुम मान के चलो कि इतना स्कर्मिश होगा ही होगा। तुमने इसको खींचा और इनफैक्ट उसको जो दबा हुआ था उसको तुम पूरा मेच्योरिटी की तरफ लेके गए 20 साल में, क्योंकि तुम 1920 वाले लोगों से पूछोगे ना जो 1947 में है, उनको इस बात का एहसास होगा कि एक बार 1920 में हम लोग ये गलती किए हैं, इसलिए 1947 में इस चीज को हम लोग पकड़ेंगे और नहीं जाने देंगे। कहीं ऐसा होता है? सो यू आर सेइंग इंडिया वॉज कॉम्युनल सिंस 1920s ओनली. सी यू कैन नॉट यूज दिस टैग्स एंड ट्राई टू कंपार्टमेंटलाइज द होल मेंटेलिटी ऑफ अ कम्युनिटी और द होल आउटलुक ऑफ अ कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इशूज एंड विद इन अ टाइम फ्रेम पुट देम इन टू परस्पेक्टिव। ऐसा नहीं होता है। कम्युनल पीपल वेर कम्युनल सिंस दे बिकेम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड रिलीजन सोसाइटी, और उनके लिए इश्यूज हमेशा उसी के आसपास इवॉल्व करते थे। सो इट बात समझो, कैन बात इट बी समझो। कॉल्ड दैट गांधी हैड नेवर फेथ ऑन पीपल. नहीं, टू सम एक्सटेंट यस, बिकॉज इफ ही स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जस्ट बिकॉज वायलेंस वुड इरप्ट. देन टेल मी ना द पॉइंट, द काउंटर पॉइंट दैट आई मेक, बिकॉज आई एम नॉट बिग इनफ एंड आई वॉज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग दैट इज रिटन देयर इन द बुक। नाइदर आई एम इनफ राइट नाउ टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग एंड आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पीरियड टू। तो हम मार्जिनैलिटी नहीं समझ पाएंगे, हम सबॉल्टर्न को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सेंट्रलाइज मूवमेंट है इंडिया का, हिस्ट्री इंडिया की बहुत सेंट्रलाइज्ड है। एक मूवमेंट उसका सिंगल पर्सपेक्टिव है, मतलब जाति खत्म हो गई थी, इतना इगेलिटेरियन हो गए थे लोग। उसका अंदाजा लो तुम इसी से लगाओ कि 1947 के बाद क्या सारी चीजें वापस नहीं आई। हाँ, थिंग्स कंटिन्यूड. सारी प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशनली हमने खत्म किया, कोई समाज से गया, जाति आज भी है, पहले ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या जाति उस समय लोग साइड करके बैठ गए थे क्या एक दूसरे के साथ?